हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर मनक्सिया स्टील के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 50% से बड़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करते हो तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 50% से बड़ा है और 162 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, मतलब कि इतना सेल्स कंपनी ने किया है। उसी के सामने अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इस बार कंपनी ने 7 करोड़ का मुनाफा किया, जबकि 7 करोड़ का प्रॉफिट किया, जबकि पिछले क्वार्टर में उन्होंने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, कंपनी की सेल्स भी अच्छी खासी हुई है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। अब यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मतलब पिछले दिसंबर के क्वार्टर से ये दिसंबर का क्वार्टर कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में 44% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब 44% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का, जबकि पिछले दिसंबर के क्वार्टर में 6 करोड़ का किया था। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट है, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है, वो अच्छा खासा आया है, तो रिजल्ट काफ़ी तगड़ा आया है। 5 ईयर हाई की बात करें तो 54.60 और करंटली आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 40.40 और आज ये 3.35% ये शेयर आज गिरा था। जैसे कि आज मार्केट भी गिरा हुआ था तो उनमें से बहुत सारे शेयर्स है जो आज गिरे थे, तो लेकिन इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आया है, तो कल ये शेयर आपको अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप इस शेयर में ट्रेड ले सकते हो, या फिर ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको मनक्सिया स्टील्स के Q3 के नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।